जय माता जी। फूल खिले, गुलशन खिले, आपके होठों पे सबका प्यार खिले। तो हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैं आप लोग से क्या बताऊँ, मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत सीरियस हो गया 4 दिन से। इसके लिए मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं जा पा रहा है, और आप लोग हमें प्यार दुलार आशीर्वाद देना ही बंद कर दिए हैं। कोई बात नहीं, आप लोग का जो मर्जी है वो करें, आप लोग के हाथ में आ। और यहाँ पर मेरा दवा है, आप लोग देख सकते हैं, मात्र 2 गोली मेरा दवा इसमें क्या बचा है। मैं दवा खाई हूँ, और ये है नाइट वाला, मैं नाइट वाला भी सब दवा खा ली। और बहुत ज़्यादा मैं खांसी भी हो रहा है। यहाँ पर मेरा सिरप है, आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब मेरे को मतलब सुबह शाम 2 टाइम पीना है, और दो दो ढक्कन इसको पीना है। दवा बहुत ज़्यादा तीता है, इसके लिए 4 दिन से मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं जा पा रहा है। और आप लोग आशीर्वाद दुलार प्यार देना ही बंद कर दें, कोई बात नहीं, आप लोग की मर्जी। आप लोग आज नहीं तो कल ज़रूर हमें आशीर्वाद प्यार दुलार देंगे। आप लोग कितना दे रहे हैं इतना में हम खुश हैं। तो मेरा तबीयत इतना ज़्यादा सीरियस हो रहा है, इतना ज़्यादा सीरियस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर सिरप दिया बोला खांसी जुकाम के लिए भी आपको आराम करेगा। और अभी मैं दवा खाई हूँ, इसके लिए पंखा में बंद करके अपना फ़ैन रखी हूँ, और कूलर भी बंद कर दिया हूँ। और कहाँ, दवा खाने के बाद मतलब तुरंत हवा में नहीं रहा जाता है, नहीं तो उतना फ़ायदा नहीं करता है। और इसके लिए मतलब मेरे इतना तबीयत ख़राब था, तो समझ लीजिए इस गर्मी में भी मैं दो दो चादर ओढ़ के रखते थे, और पंखा वह एकदम बंद हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा मेरा तबीयत सीरियस हो गया था, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। और मैं दवा के लिए गई थी, शायद मैं आप लोग के बीच में वीडियो डाली हूँ, और आप लोग मतलब वीडियो जाके मेरा देखिएगा, लॉन्ग वीडियो ही डाली हूँ मैं दवा के लिए गई थी। अगर नहीं डाली हूँ तो मैं इस वीडियो में मैं डाल दूँगी, और प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें। आप लोग को दिखाती हूँ, मैं पंखा भी बंद करके रखी हूँ, कूलर भी बंद करके रखी हूँ। देख सकते हैं मेरा पंखा बंद, यहाँ पर मेरा कूलर बंद है। चालू रहेगा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, हर 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 बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, इसके लिए भी मैं बंद किया हूँ। और मैं दवा खाई हूँ, इसके लिए भी मैं बंद करके रखी हूँ। डॉक्टर बोला है नींबू पानी, पानी थोड़ा गुनगुना करके हल्का सा शीत गरम, और उसमें नींबू चीनी और पानी घोल बना के, कैसे शरबत की तरह घोल बनता है इस तरीके से बना के आप मतलब दिन भर में 3-4 बार पीने की कोशिश करिए। और इससे आपको जो चक्कर आता है वो मतलब थोड़ा नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए मैं नींबू पानी भी पी रही हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मेरे को दवा खाए हुए 15 मिनट हो गया, मैं इस सिरप को पीती हूँ। ढक्कन से पीना है तो क्या मैं ढक्कन से पीऊँ, मैं ऐसे ही ये सिरप को पी लेती हूँ। और आप लोग के क्या बताओ, ये जो सिरप है बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, बहुत काफ़ी लगता है। तो जय माता जी, मेरे को हर एक चीज़ का दवा से मतलब डर लगता है, भगवान ना करे किसी को दवा खाना पड़े या पीना पड़े सिरप। बहुत कड़वा लगता है, बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। और डॉक्टर मना भी किया है, तो मतलब सिरप है पी के पानी पीना है, 1 घंटा 15 मिनट तक ले पानी पीने के लिए मना किया है। इसके लिए मैं पानी भी नहीं पी सकती हूँ। और आप लोग कैसे हैं, कैसे हमारी तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, आप लोग की तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस काजल सिंह एक्टर गोरखपुर इस वाले चैनल पर मेरा कॉमेंट आया है, दीदी आप कहाँ से हैं, कोई कमेंट किया है, दीदी आप कहाँ से हैं। तो सिस्टर मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ, इस वाले चैनल पे बता दे रही हूँ, मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, मैं गोरखपुर में ही रहती हूँ, और शूट के लिए मैं इधर उधर भी रहती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है मैं प्रतिदिन गोरखपुर में रहूँगी, जब कोई भी कलाकार रहेगा तो ज़रूरी नहीं है मतलब घर पर भी रहेगा, वो कहीं भी रह सकता है। तो आप लोग बोल रहे थे सिस्टर आप कहाँ से हैं, मैं आपसे मिलने के लिए सोच रही हूँ आने के लिए। तो मैं आप लोग का कमेंट पढ़ी हूँ, भले मैं आप लोग को जवाब नहीं दे पाती हूँ, मैं आप लोग को कमेंट पढ़ी हूँ, और तबीयत ख़राब है इसके लिए मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ, बाकी मैं सबका कमेंट का धीरे धीरे सबका मैं जवाब दूँगी। तो सिस्टर अभी मैं गोरखपुर में नहीं हूँ, प्लीज़ आप लोग गोरखपुर में आएंगे कहीं भी ढूंढेंगे, आप लोग का जो भाड़ा वा रहेगा नुकसान होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप लोग का भाड़ा जो रहेगा पैसा वो सब नुकसान होगा। तो जब मैं गोरखपुर में आऊँगी तो प्लीज़ मैं आप लोग से ज़रूर बताऊँगी। हाँ सिस्टर मैं गोरखपुर में आ चुकी हूँ, मैं वीडियो आप लोग के बीच में ज़रूर बना के डालूँगी। तो इसके लिए सॉरी जो मैं आप लोग से नहीं मिल पाऊँगी,
और प्लीज़ आप लोग दुआ आशीर्वाद ऐसे ही हमें देके रखिए और पूरा फुल वीडियो देखिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबाना मत भूलिएगा। और मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी, यहाँ पर वीडियो में एंड कर रही हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।